कुछ योगासन बता दें। ये देखिए, जैसे आप योगासन जब शुरू करते हैं तो आपकी आपको सूक्ष्म व्यायाम जो है, सूक्ष्म व्यायाम के यानी आपके जो पैर पैर की उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां 10 बार इसको ऐसे ऐसे घुमाइए, ठीक है। हम कैमरा के लिए आपको इस तरह से दिखा रहे हैं कि इस तरह से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर ऐसे स्ट्रेच कीजिए 1 2 3। अब आप घुटने का एक्सरसाइज हो जाता है जब आप अंदर की तरफ खींचते हैं इसको ऐसे, ये आपका ये हो गया। फिर राउंड राउंड घुमाइए 10 10 बार, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे करिए। इसमें ब्रीदिंग भी आप ध्यान दे सकते हैं, है ना, तो इनहेल एक्सहेल करते हुए घुमाते रहते हैं, राइट। फिर उसके बाद ये आपका घुटने का हो गया, फिर इधर, ठीक है, थोड़ा बच्चा खिला लीजिए ऐसे करके आपके थाइस के जॉइंट्स का खुल गया। फिर उसके बाद आप उसी प्रकार इस पैर में कीजिए, फिर उसके बाद ऐसे कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इसको ऐसे पेल्विक बोन को थोड़ा खोल लीजिए, राइट, ऐसे। फिर दूसरे पैर में इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी थोड़ी बटरफ्लाई कर लीजिए, ओके। फिर आपका ये चक्की कर लीजिए, ये चक्की में एक यहाँ तक जाना, फिर यहाँ आना, फिर ऐसे आना। अब देखिए एल्बो बेंड नहीं करना, ये ऐसे नहीं है, इसमें सिर्फ आपका हाथ का एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं है, चक्की पीसना है, पीसी और पेट जो है आपका पेट का आपका कभी चर्बी नहीं होगा, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद आप है ना, तो आप समझिए इसके बाद आपका कौन सा जॉइंट बच गया, यहाँ बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसके बाद ऐसे ऐसे ये, फिर ये वाला ये पार्ट, फिर ऐसे, ये सब आपके सूक्ष्म व्यायाम। हेड का रोटेशन थोड़ा आराम से करना है, इसमें ब्रीदिंग का ध्यान देना जरूरी है। इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, फिर लेफ्ट राइट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, फिर ऐसे इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, राइट। ये 10 10 बार मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, 5 5 बार यानी टोटल 10 बार। फिर ये ध्यान देना कि इनहेल करके एक राउंड में जाऊँ, फिर इनहेल, ठीक है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के एक टीचर है ना, डॉक्टर तरुण गर्ग ने ये बताया था, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इनहेल करके ऊपर गए, एक्सहेल करके नीचे आए, ये राउंड राउंड नहीं घुमाएंगे, है ना, ये सर्वाइकल के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए एक राउंड में ऐसे जाएंगे और वापस आएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आईज रोटेशन, इनहेल लुक अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, अपान वायु में बैठे हैं। देखिए अपान वायु सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले टॉक्सिन्स आपके पेट की, ये जिस दिन ठीक हो जाएगा तब आप बाकी वायु के बारे में सोचेंगे, प्राण अपान दान व्यान समय। लेकिन हाँ, जो कंठ वाली जो शुरू होती है ना, इनको तकलीफ होती है ना, तो उनको उनको फिर प्राण अपान उदान, ये उदान वायु, तो उदान वायु में बैठे, ठीक है। लेकिन टॉक्सिन चूंकि यहाँ से निकल रहा है तो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, दोनों 15 15 मिनट। ये वायु के लिए अलग से बैठना, यानी वायु मुद्रा के लिए अलग से बैठना, लेकिन ये दोनों प्राणायाम के साथ करते हैं, ठीक है। अब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आइज को घुमा लिया, फिर ऊपर देखा, राइट देखा, नीचे देखा, लेफ्ट देखा, क्लॉक वाइज रोटेशन, फिर एंटी क्लॉक वाइज अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। फिर ब्लिंकिंग एंड पम्पिंग, पलकों को देखता है और साथ साथ हाथ को रगड़ा और हाथ को गर्म, ब्लिंक ब्लिंक,
रुको कुछ झटका रहे हाँ कर जब हाथ गर्म हो जाए तो हथेलियों से सिकाई करेंगे 20 सेकंड अब फिर राउंड आउट घुमाएं 20 सेकंड के बाद दोनों दिशा फिर पूरे चेहरे को ऊपर से नीचे मसाज कर नीचे से ऐसे ऐसे नहीं दिशा फिर आराम से डीप ब्रीदिंग ये हो गया आपका सूक्ष्म व्यायाम ठीक है ये नॉर्मल है ऐसे सूक्ष्म व्यायाम बहुत डिटेल भी होता है ये हमने बिल्कुल बहुत बेसिक सूक्ष्म व्यायाम बताया अब इसके बाद जो आसान सा आसन है वो योग मुद्रा आपको ऐसे करके ऐसे सुखासन में बैठे दाहिने और ये देखिए कैमरा में उल्टा दिख रहा हो सकता होगा ये राइट पैर लेफ्ट साइड पे रखा ओके और लेफ्ट को राइट ठीक है इस तरह से ऐसे बैठ गए ओके और उसके बाद ये अगर पद्मासन नहीं भी लगे तो सुखासन में ऐसे भी बैठेंगे ये भी ठीक है जिस तरह से जो बैठ पालथी मार के बैठ सकते हैं तो इस तरह बैठ गए अभी पहले मैं आधा पद्मासन में दिखा रहा हूँ और राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखना है क्योंकि यहाँ पर जो कुहू नाड़ी शंखनी नाड़ी आपके राइट ब्रेन को नियंत्रित करती है मूलाधार चक्र के पास और यहाँ लेफ्ट कुहू नाड़ी आपकी लेफ्ट ब्रेन यानी आपकी जो एक थॉट्स का ब्रेन एक एक्शन का ब्रेन तो इसीलिए उल्टा नहीं करना है पद्मासन है ना तो इस तरह ऐसे रख दिया और राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट पकड़ ली उसी प्रकार ये पीछे तो योग मुद्रा का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सांस भर लिया और सांस छोड़ते हुए नीचे टच किया जिनका टच हो गया अच्छी बात 8 सेकंड तक सांस होल्ड किया फिर सांस भरते उठ गए अब इसमें एक ही चीज है कि आप सांस छोड़ते हुए गए फोरहेड या नोज टच कर दिए लेकिन इनकी चर्बी रहेगी हो सकता है यहीं तक आ पाएंगे यहाँ आएंगे जहां तक आ पाते हैं वहां तक एक्सरसाइज होगी पूरी पेल्विक एरिया की डाइजेस्टिव यहाँ पर आपकी लीवर की इधर पैंक्रियास की स्प्लीन की सबकी है ना ये होगी एक्सरसाइज होगी वो लगा पावर लगा ठीक है ये चीज है अब देखिए इसी प्रकार हमारा ये पद्मासन लगा फिर मैंने देखा राइट पैर को लेफ्ट थाई पे रखा राइट पैर सांस भर लिया ठीक है सांस छोड़ते हुए सांस लेके सीधे ठीक है इसी प्रकार ऐसे देखिए मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ इस तरह से ताकि दिखे ये बहुत आसान आसन है योग मुद्रा उसके बाद है थोड़ा पैर को खोली ढीला कर लिए ठीक है और वज्रासन बैठ वज्रासन में बैठ के और वज्रासन में बैठ के और सांस पूरी तरह भर के दीर्घ नमन दीर्घ प्रणाम सांस पूरी तरह हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे फिर सांस भरते हुए थोड़ा पीछे पीछे ठीक है और थोड़ा सा देखिए पीछे करने कैमरा को सबको दिखेगा सांस भर के ऊपर ठीक है बस बस ठीक है इसको ऐसे करिए और थोड़ा ऊपर 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 ठीक है ये ऊपर ऐसे हो गया अब सांस छोड़ के नीचे उसके नीचे का और नीचे और नीचे देखिए यस फिर जो लोग
सांस भर के ऊपर, ठीक है, रिलैक्स, ये चीज, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, राइट। अभी यही दीर्घ नमन, जैसे मान लीजिए जिनका आर्थराइटिस है और आर्थराइटिस है और वैसे नहीं बैठ सकते, कुछ ऊपर बैठ के कर भी कर सकते हैं, तो जिन लोगों को आर्थराइटिस है या घुटने का तकलीफ है उनको ऐसे नहीं करना है। तो उनको अगर इतना बैठ सकते तो ठीक है, जिनको घुटने का तकलीफ नहीं है तो, लेकिन मोटे हैं तो वो क्या करेंगे, आराम से ऐसे हाथ उठाया, पहले हाथ को ऐसे रखा, ठीक है ठीक है ठीक है ना, उठाइए उठाइए, हाँ बस रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे हाथ उठाया, फिर हाथ ऐसे पहले लाया और फिर उसके बाद ये इतना आ सकता, मान लो इतना आया इतना पे रुके इस तरह से, और ब्लड प्रेशर के व्यक्ति हैं वो सांस नहीं रोकेंगे नीचे जाने। अब इसे भी मंडूकासन कर लीजिए, मैंने कहा पेट को ठीक रखना है, सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर कर लीजिए, जो उड्डयन बंद में बताया था उसी की क्रिया होगी निगासन। गैस की प्रॉब्लम है राइट नीचे, ठीक है, और डायबिटीज है जिनको उनका ये नीचे, ठीक है, और फिर बाद में दोनों मुट्ठी बांध के सांस बाहर छोड़ के फिर सांस लेके ऊपर क्या कर रहने दीजिए, इधर लीजिए और नीचे, हाँ ठीक है, बस इस तरह से करके आपको ये हो गया आपकी योग, ये आसन। इसके बाद है पवन मुक्तासन और उत्थान पादासन कर लीजिए और भुजंगासन, इतने ही आसन आप करेंगे और रिलैक्स कर लीजिए। और कौशिकी या शुरू में स्टार्ट करने में भी कौशिकी हमने बताया था, तो कौशिकी अभी हम आपको लास्ट में बताते हैं। देखिए अब थोड़ा पीछे लीजिए, ठीक है, और उत्थान पादासन सांस भर के ये किया, या एक पैर से उठाते हैं सांस भर के छोड़ दिया नीचे, ठीक है। इसी में आप सुप्त ताड़ासन और उत्थान पादासन एक साथ कर सकते हैं, पूरी तरह खींच करके है ना, और ये इनहेल करके ऊपर, ये टोज इनसाइड फिर नीचे, ये दूसरा, ठीक है, और दोनों ये हो गया, ठीक है। उसी में फिर पवन मुक्तासन पूरी तरह दबा के, जिनको सर्वाइकल पेन है वो लोग गर्दन नहीं उठेंगे, ठीक है, इसमें देख लीजिए ये, फिर दूसरा पैर पवन मुक्तासन, और जिनको गर्दन नॉर्मल है वो लोग गर्दन उठा सकते हैं ऐसे। सुबह उठने की क्रिया में भी हम आपको बताए यही बात कि दस ऐसे ऐसे करना है, बाकी योग की क्रिया में आपको ये ऐसे करना है, ठीक है ये। फिर उसके बाद लास्ट में पूजा कर, ये इसमें ये दोनों कंधे के बराबर, एक तो है कान के बराबर हाथ को रख के इतना उठाना, ठीक है, देख लीजिए फिर जाओ ऐसे, और नहीं तो ऐसे कंधे के बराबर दोनों नाभि दो, ठीक है, सीधा, ठीक है, चलिए रिलैक्स ऐसे करके शीतलासन करना, एक हाथ मोड़ेंगे तो उधर ही, ठीक है। फिर उसके बाद शवासन कर लेंगे लास्ट में, शवासन करके उस तरह ढीला शरीर देखिए, अंगों को पैर से लेकर जो हम योग निद्रा ध्यान में कर रहे थे वही चीज, पैर से सर तक रिलैक्स कर लीजिए, फिर बाएं करवट लेके 5 मिनट करने के बाद बाएं करवट लेके उठ जाइए, ठीक है, और
ये आपकी क्रियाएं हैं और दिन भर आप इसको करें. सॉरी, मैं हर दिन आपको मिलूंगा, दिन में एक बार आप कर लें इसको. जो टॉक्सिन्स की बात बताई वो आप ध्यान रखें, और अंत में हम आपको है ना फिर कॉस्की डांस जो है वो बता देते हैं. तो थोड़ा नीचे हम उधर से उधर से इस तरह बात. एक मिनट चेंज किया है, चेंज कर दिया. ठीक है, देखिए कॉस्की डांस. ठीक है, ये देखिए इसमें ये मुद्रा, और ये पैर को पहले फैला लिए, राइट पैर को नीचे रखा, लेफ्ट पैर ऐसे, यानी टोज को बीट करेंगे और एक और तीन बार एक तरफ बेंड करेंगे. ये पहले ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, ये प्रैक्टिस कर लीजिए. अब इसमें तीन बार एक तरफ झुकना, दो में से वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, बाबा नाम बाबा, ए कलम बाबा नाम बाबा, ए कलम बाबा नाम बाबा नाम बाबा, ए कलम बाबा नाम बाबा, ए कलम बाबा नाम बाबा, ए कलम बाबा नाम बाबा नाम बाबा, ए कलम बाबा नाम बाबा, ए कलम बाबा नाम बाबा, ए कलम बाबा नाम बाबा नाम बाबा, ए कलम. ये आप 5 मिनट तक कर लें, और जो ये माता और बहनों के साथ साथ भाइयों का भी जो ये है, पूरे 22 प्रॉब्लम्स 22 बीमारियाँ ठीक होती हैं. उसके बाद फिर उसके बाद भाइयों के लिए सिर्फ तांडव, यानी इट इज़ ओनली फॉर द ब्रेन. ये तांडव इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन. इसमें आप इस प्रकार टोज पे खड़े होकर एक बार जंप करते हैं, फिर उसके बाद इस तरह, ये आपकी एक्सरसाइज है तांडव. ये देखिए नटराज मुद्रा में आप जंप कर रहे हैं. ठीक है, माता बहन इसको नहीं करना है इसीलिए क्योंकि उनके एंड्रोजन हार्मोन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो दाढ़ी मोछ हो जाएगा, उनको मेल हार्मोन ज्यादा हो जाए. अभी देखिए 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक बहुत है, आप करेंगे पूरी ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है, फिर लास्ट में जंप कर लिया. ये आपकी पूरी क्रिया है, इसको करें, फिर मिलेंगे. नमस्कार.